क्या आप भी किर्गिस्तान की WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जा रहे हो या जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे कि कंपनी कैसी होगी, इस कंपनी में टाइम पर सैलरी मिलता है या नहीं मिलता, इस कंपनी में ओवर टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, इस कंपनी में खाना कैसा मिलता है, इस कंपनी में रूम कैसा मिलता है, इस कंपनी में काम कैसा रहता है। आपके मन में ये सब सवाल आते होंगे। आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा किर्गिस्तान की WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ किर्गिस्तान की WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ किर्गिस्तान की WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमें किर्गिस्तान की WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताइए, इस कंपनी की वैकेंसी आई हुई है, क्या इस कंपनी में हम जा सकते हैं, क्या ये कंपनी कैसी है, हमें इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना देता हूँ, ताकि हमारे जितने भी भाई इस कंपनी में जा रहे हैं सबको इस कंपनी की सच्चाई मालूम पड़ जाए, सबको इस कंपनी की जानकारी मालूम पड़ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सैलरी टाइम से मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस कंपनी में सैलरी टाइम से नहीं मिलता है, लेकिन सैलरी मिल जाता है, कभी 2 महीने बाद सैलरी मिलता है, कभी 3 महीने बाद सैलरी मिलता है, लेकिन सैलरी मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे ओवर टाइम के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी में आपको ओवर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। और बात करें खाने की, तो दोस्तों इस कंपनी में आपको खाना 3 टाइम मिलता है, लेकिन कुछ भाई इस कंपनी में काम करने वाले वो भाई लोग बोल रहे खाना तो 3 टाइम मिलता है लेकिन खाना अच्छा नहीं मिलता है, खाना सही नहीं मिलता है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे रूम और पानी के बारे में। तो आप इस कंपनी में जाते हो तो आपको तंबू के रूम में रहना पड़ता है, और तंबू के रूम में एक रूम में 15 से 20 आदमी रहते हैं। और इस कंपनी में ऐसी मेरे को जानकारी मिली है कि इसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहाने और पीने का पानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। दोस्तों आप जो स्क्रीन पर न्यूज़ देख रहे हो, जो आप हेडलाइन देख रहे हो, ये आज से 5-6 दिन पहले राजस्थान के अखबार में छपी थी। इसमें लिखा है किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के 1500 कामगार, इनमें से 1200 सेकावाटी के, वतन वापसी की लगा रहे गुहार, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने देश वापस बुला लो, हमें अपने घर वापस भेज दो, हम इस कंपनी में फंसे हुए हैं, हमें बचा लो, ना ही तो इस कंपनी में टाइम पर सैलरी मिलता है, ना ही रहने के लिए रूम अच्छा मिलता है, और ना ही खाने को खाना अच्छा मिलता है, और इस कंपनी में पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, हमें अपने देश वापस बुला लो, हमें अपने घर वापस भेज दो, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है। दोस्तों मैं ना ही तो किसी कंपनी को प्रमोट करता हूँ, ना ही किसी कंपनी को बदनाम करता हूँ, मुझे जो भी जानकारी मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इस कंपनी की मुझे जो भी जानकारी मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की। किसी भाई के पास इस कंपनी की कोई और भी जानकारी है तो कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है, दोस्तों की मदद कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस कंपनी में जो भी भाई जा रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उसे इस कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।